क्वेश्चन नंबर 10, तो अब तक हमने 9 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि सारे फॉर्मूलेस आप पहले ठीक से देख लें, बाय हार्ट कर लें, कॉन्सेप्ट समझ के लें, तभी क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये काफी मुश्किल होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th June फॉर 6 months। एक बिल हमने कभी बनाया है 5th June को, और पीरियड ऑफ बिल क्या रखा है 6 months। वाज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और हमने उसको डिस्काउंट कराया है किस रेट से, 5% पर एनम से, ऑन 19th October। और कभी डिस्काउंट करा लिया, 19th October। अब जरा ध्यान दो, 5th June को हमने बिल बनाया था 6 months के लिए, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 5 December इसका नॉमिनल ड्यू डेट था। तो लीगल ड्यू डेट 3 दिन एड करेंगे तो 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड एड करने बाद क्या हो जाएगा, 8th December। लेकिन हमने वहां तक वेट नहीं किया, बैंकर के पास गए कभी 19th October को, और उसने बिल डिस्काउंट कर दिया, यानी कि बैंकर ने कुछ अपने पास पैसा कट करके रख लिया, और बाकी कैश वैल्यू कितना दिया वापस करके 43,500, और कैश वैल्यू दिया आपको रुपीज 43,500। तो देन वी हैव टू फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो हमको ये बताना है कि एक्चुअली बिल का फेस वैल्यू क्या था, यानी कि बिल कितने रुपए का बनाया गया था। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हमने अभी क्या बताया था 8th December इज द लीगल ड्यू डेट, बिल निकाला कभी हमने 19th October, तो 19th October के बाद कौन सा डेट आएगा 20th October, तो 20 October से लेके 8th December तक कितने दिन हुए, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इयर्स में। अब जैसे इयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एन, और आपको मालूम है बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, SD into N into R upon 100, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन आपको SD यानी कि फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो मैं अज्यूम करूंगा कि X है। हम क्या निकालेंगे उस पर, बैंकर डिस्काउंट, ठीक है। X में से जैसे ही बैंकर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश वैल्यू ऑफ बिल, जो कि अपने पास क्या गिवन है 43,500, इसको इक्वल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करके मिल जाएगा X, which is the required solution, यानी कि what is the face value of bill। तो पहला तो जो given है information, जैसा आप तक लिखते आ रहे हैं वैसे given, cash value is equal to rupees 43,500, rate of interest 5% per annum, bill drawn on 5th June, period of bill equal to 6 months। अब जरा देखें तो 6 महीना है, इसलिए therefore nominal due date is equal to 5th December, legal due date is equal to 8th December, bill discounted on 19th October, और bill हमने कब discount कराया था 19th October को, तो first we find the period of discounted, यानी कि हम यहाँ पर कितना दिन पहले या कितने समय पहले bill को discount कर रहे हैं वो period find out करना है, that is इसका मतलब कि फ्रॉम 20th October टू 8th December। अब जरा एक टेबल ध्यान दें, अक्टूबर में हमने बिल निकाला, कब तक जाना था बिल को, दिसंबर तक। तो अब देखो मैंने अक्टूबर के ऊपर लिखा 19, क्योंकि 19 को मैंने ड्रॉ किया था, यानी कि उसको कैश कराया था। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, तो बचे हुए डेज कितने, 31 - 19 विच इज इक्वल टू 12। नवंबर का पूरा कितना दिन आ गया 30, और दिसंबर में बिल आपको कभी मिलना था लीगली 8, तो दिसंबर का 8 डे। अब इसको आप ऐड करें 12 + 30 + 8, तो 12 + 30 = 42, 42 + 8 = 50। इसका मतलब हुआ जो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग है वो क्या है, n इज इक्वल टू 50 डेज, और 50 डेज को जब आप इयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं देन इट इज राइट रिटन एज 50/365 years। तो अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पर n। अब आगे बहुत सिंपल दो स्टेप क्वेश्चन करता हूँ। Let SD यानी कि sum due, that means face value of bill equal to rupees x, ये हमने लिया। Therefore banker discount SD into n into r upon 100, आप value replace कर दोगे तो ये हमारे पास आ गया equal to x into 50/365 into 5/100,
50 से 100 टू टाइम कैंसिल, 5 से 365 कैंसिल 73 टाइम, तो ये क्या रह गया x अपॉन 73 इनटू 2, यानी कि बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 73 टू द 146। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या, पहला हमारे पास कि हम डेज निकाल लें, डेज निकालने के बाद हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बैंकर डिस्काउंट x पर। अब सिंपल, नाउ SD यानी कि अमाउंट ऑफ बिल माइनस बैंकर डिस्काउंट, तो बैंक ने जो कट किया उसके बाद आपके पास बचा क्या कैश वैल्यू, इंपॉर्टेंट। तो ये जरा आप ध्यान दें, SD माइनस BD इज इक्वल टू CB, तो SD की जगह x माइनस BD की जगह x अपॉन 146, और ये आप सिंपल कैलकुलेशन है 146 क्रॉस कर जाएगा, 146x माइनस x अपॉन 146 इज इक्वल टू 43,500, तो therefore 145x upon 146 is equal to 43,500, तो therefore x equal to 43,500 into 146, which is equal to 43,800, तो x था क्या आपके पास face value of bill, तो therefore face value of bill is equal to rupees 43,800। तो दो सिंपल स्टेप्स है, पहला दिन आपने कैलकुलेट करना है कि कितने दिन पहले हमने डिस्काउंटेड कराया, दूसरा आप x अज्यूम कर लेंगे फेस वैल्यू को, उस पे क्या फाइंड आउट करेंगे बैंकर डिस्काउंट, और फिर सिंपल SD माइनस बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू CD, और ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोग अपने आप कंप्लीट करेंगे, तो 15 आपने खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो अब हमारे पास नेक्स्ट, अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर रुपीज 27,000 एंड वाज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई एट 5% पर एनम, द बैंकर पेड रुपीज 6,930 फॉर द बिल, फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। क्योंकि इस बार है क्या कि हमने एक बिल कभी फॉर्म किया 14th अप्रैल को, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, बिल कितने का था 7,000 का। नंबर थ्री, मैंने इसको बीच में डिस्काउंट कराया, कब डिस्काउंट कराया 6th जुलाई को, किस रेट ऑफ रिटर्न से 5% से, और बैंकर ने मुझे कितना दिया 6,930, यानी 7,000 का बिल था लेकिन बैंकर ने कितना दिया 6,930, 70 रुपीज कम, ये 70 रुपीज कहाँ गया बैंकर के पास, यानी कि बैंकर डिस्काउंट। तो मुझसे पूछा क्या गया, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। देखो अब यहाँ पर मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि बिल कितने दिन पहले डिस्काउंट करा है, यानी कि एन फाइंड आउट करूंगा। फिर मैं वहां से क्या करूंगा, एक कैलकुलेशन करूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि लीगल ड्यू डेट क्या था। लीगल ड्यू डेट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नॉमिनल ड्यू डेट, और जैसे नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा 14th अप्रैल से लेके वो नॉमिनल ड्यू डेट जो आ रहा है वो जो बीच का पीरियड है, यानी कि 14th अप्रैल से लेके नॉमिनल ड्यू डेट तक का, इट इज द पीरियड ऑफ बिल, तो वही हमारा पीरियड ऑफ बिल होगा। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है, एज यूजुअल सम ड्यू रुपीज 7,000, कैश वैल्यू रुपीज 6,930, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर एनम, बिल ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल, बिल डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई, यहां तक आ गया। लेट बिल डिस्काउंटेड एन ईयर्स बिफोर द लीगल ड्यू डेट, अब मुझे नहीं मालूम मैंने कब डिस्काउंट कराया क्योंकि टाइम तो मालूम नहीं है, तो हमने क्या लिखा कि बिल डिस्काउंटेड एन ईयर्स बिफोर द लीगल ड्यू डेट। तो नाउ अब इसके बाद आपको मालूम है बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या, सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू ऑफ बिल माइनस क्या कर देंगे कैश वैल्यू, यानी कि कितने का बिल था और मुझे मिला कितना, तो बीच में जो गायब हो गया वो क्या है बैंकर डिस्काउंट, तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू 7000 माइनस 6930, तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 70, तो 70 रुपए का बैंकर डिस्काउंट आ गया। नाउ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एसडी इनटू एन इनटू आर अपॉन 100, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है एन को छोड़ के। अब जरा ध्यान दें कैलकुलेशन, 1 2 1 2, 2 जीरोस कैंसिल, 70 से 70 कैंसिल, अपोजिट कैंसिलेशन, ध्यान दो 2 जीरो से 2 जीरो, 70 से 70 कैंसिल, इधर क्या रह गया 1, n इनटू पाई, पाई n,
तो n क्या मिलेगा, पाई अपोजिट किया तो n इज इक्वल टू 1/π ईयर्स। अब 1/π ईयर्स से अगर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 365 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में। इंपॉर्टेंट ध्यान दो, 1/π ईयर्स इज इक्वल टू 1/π × 365 डेज। अब जैसे आपने कैलकुलेशन किया तो 73 डेज, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि बिल जो है ना वो 73 डेज पहला हमने डिस्काउंट कराया था। रिमेंबर हमने क्या कहा, बिल कितने दिन पहले डिस्काउंट कराया था, 73 डेज बिफोर द लीगल ड्यू डेट। नाउ वी फाइंड द लीगल ड्यू डेट। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लीगल ड्यू डेट। ध्यान दो, अप्रैल में बिल फॉर्म किया गया। अब आगे का टेबल हमने कैसा लिखा होगा, अब जरा देखें। सबसे पहला जुलाई में हमने निकाला था, 6 जुलाई को बिल डिस्काउंट कराया था। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 में से 6 माइनस किया 25। इधर हमने क्या किया, वापस देखें हम, 73 माइनस 25 कितना रह गया, 48। अब अगस्त कितने दिन का होता है, 31, तो माइनस क्या, 31 क्या बचा, 17। यानी कि नेक्स्ट जो सितंबर आ रहा है वहां पर 17 डेज, यानी कि हमारा वो 73 पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो आ गया, 17 सितंबर आने का मतलब क्या हुआ कि एट द लास्ट इनका जो लीगल ड्यू डेट था वो कितना था, 17 सितंबर। हमने क्या किया, वापस ध्यान दे, 6 जुलाई को मैंने बिल डिस्काउंट कराया था, मुझे आगे 73 डेज जाना है। तो पहला जुलाई के बचे हुए दिन, तो 31 में से 6 माइनस का 25। अगस्त कितने दिन का है, 31 माइनस का 48 में से कितना रह गया, 17। तो सितंबर के लिए कितना दिन जा रहे हैं, 17। अब इसके बाद देयरफॉर लीगल ड्यू डेट कितना आ गया, 17 सितंबर। तो देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो गया, 14 सितंबर। तो देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल फ्रॉम 14th अप्रैल टू 14th सितंबर। यही मैं आपसे कह रहा था कि कहां से फॉर्म किया और नॉमिनल ड्यू डेट क्या है। तो 14th अप्रैल से लेकर 14th सितंबर, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पाई, तो इसका मतलब पाई मंथ। तो देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू पाई मंथ। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो बिल था वो 5 मंथ्स के लिए नोट किया गया होगा। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट इज रुपीज 20 और कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, देन फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल, और जबकि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है, 5%। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम, आर एन पीरियड ऑफ बिल 4 मंथ्स यानी 4/12 ईयर्स, और डिफरेंस ऑफ बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट विच इज इक्वल टू रुपीज 20। तो आपको मालूम है कि डिफरेंस ऑफ बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज नोन एज बैंकर्स गेन। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, डिफरेंस ऑफ बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। तो हमसे ये ट्रू डिस्काउंट पूछा गया है, फिर बैंकर डिस्काउंट पूछा गया है, और साथ में क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ बिल। तो तीन चार पार्ट में हम इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर ट्रू डिस्काउंट, तो अभी जो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रू डिस्काउंट के, वी नो आपको मालूम है हमने एक फॉर्मूला बताया था, BG is equal to TD into N into R upon 100, यानी bankers gain is equal to interest on true discount। चलो values replace करो, 20 true discount as it is, N की जगह 4/12, R की जगह क्या हमारे पास 5 और upon 100। अब अगर हम calculation के point of view से जाएं तो simple, 4 5 जा 20, ये cancel हमारे पास, नीचे 12 और 100, तो इसका मतलब इधर रह गया 1 और इधर टीडी अपॉन 1200। ये क्या हुआ, 12 और 100, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 12 × 100, तो क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 × 1200, तो देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 1200। तो सिंपल, ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया ट्रू डिस्काउंट। अब वापस हम जा रहे हैं किसके लिए, फॉर
बैंकर डिस्काउंट। अब जरा देखें, वी नो वापिस बैंकर गेन से स्टार्ट करेंगे। बीजी इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। तो आपको टीडी मालूम है, बीजी मालूम है, तो क्या मिल जाएगा? बैंकर डिस्काउंट। तो देयरफॉर 20 इज इक्वल टू बीडी माइनस 1200। ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बीडी इज इक्वल टू 20 प्लस 1200। तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 1220। चलो अब तक हमने दो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर, एक लास्ट अमाउंट ऑफ बिल फॉर एसडी। एसडी मतलब अमाउंट ऑफ बिल। तो अब जरा देखें, तो वापस क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर, वी नो आपको मालूम है बैंकर डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, यानी कि एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये 1220 यानी बैंकर डिस्काउंट। एसडी मालूम नहीं, 4/12 और इंटू 5 अपॉन में 100। अब अगर आप देखें तो हमारे पास होगा क्या, अब ये पूरा कैलकुलेशन अगर मैं करूं, 4 से 12 कैंसिल कर लेता हूं 3 times, तो इसका मतलब क्या 1220, ध्यान देना, और 5 से 100 कितने टाइम कैंसिल, 20 टाइम, 3 और 20, तो SD अपॉन 3 × 20, तो 3 × 20 क्या हो जाएगा 60। तो SD इज इक्वल टू 1220 × 60। तो देयरफॉर SD इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 zeros तो ऑलरेडी आ गई, 6 × 12, 12 × 6 = 72 or 73। तो therefore face value of the bill, या फिर कह सकते हैं amount of bill is equal to rupees 73,200। तो ये था हमारे पास next एक simple question। हमने कहाँ से start किया, true discount, और फॉर्मूला क्या यूज किया, BG is equal to interest on true discount यानी TD into N into R upon 100। सिंपल कैलकुलेशन हो गया। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर, BD क्या यूज किया, BG is equal to BD minus TD, ये निकला, और बाद में SD के लिए फॉर्मूला BD is equal to SD into N into R upon 100, और SD ही क्या है हमारा यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल। प्रॉब्लम नंबर 13, और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, वापस जरा देखें क्या है। अ बिल ऑफ रुपीज 51,000 वाज ड्रॉन ऑन 18 February 2010 फॉर 9 months। इट वाज एनकैश, एनकैश मतलब डिस्काउंटेड, यानी जहां हमने उसको डिस्काउंट कराया, और कितने पे कराया, 28 जून को 5% पर एनम से। तो कह रहे कैलकुलेट बैंकर गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर काफी कैलकुलेशन होने वाली है। तो सबसे पहला हमको क्या मालूम है, बिल का अमाउंट जो कि कितना है रुपीज 51,000। दूसरा मालूम है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ 5%। नेक्स्ट कभी फॉर्म किया था बिल, 18 February को, कब मिलना था 9 months के बाद, लेकिन बीच में डिस्काउंट कराया कब, 28 June को। तब ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर मैं नोट किया है, गिवन सम ड्यू इज इक्वल टू रुपीज 51,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, बिल ड्रॉन ऑन 18 February, पीरियड ऑफ बिल 9 months, अब 9 months फेब के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि नॉमिनल ड्यू डेट 18 November, लीगल ड्यू डेट के लिए 3 days आप ग्राफ ग्रेस पीरियड ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21 November, बट बिल डिस्काउंटेड ऑन 28 June, लेकिन बिल हमने बीच में निकाल लिया है कभी 28 June को ही। तो फर्स्ट वी फाइंड पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, यानी कि कितने टाइम पहले हमने बिल निकाल लिया या डिस्काउंट कराया, इसका मतलब क्या, दैट इज फ्रॉम 29 June टू 21 November। अब जरा इस टेबल को ध्यान दीजिए, हमने बिल कब निकाला, 28 को, तो इसमें मैंने ऊपर जून के ऊपर क्या लिखा 28, और बिल मिलना कब था लास्ट 21। अब जरा देखें, जून होता है 30 days, तो 30 - 28 यानी कि 2 days, तो वो कौन कौन से होंगे, आप जरा इसे लीगली यहाँ पे लॉजिकली सोचें, 28 को निकाला, जून होता है 30 दिन का यानी 30 days,
28 के बाद कौन सा डेट बचा, 29 और 30, यानी कि 2 डेज। जुलाई पूरा कितना है, 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30, अक्टूबर यहाँ पर 31, और नवंबर में तो 21 को मिलना था, तो इससे क्या हो गया 21। अब ये टोटल अगर हम लोग यहाँ पे कर लें तो 1, 2, 3, 4 और 2, 6, 2, 5, 8, 11 और 3, 14, 146 डेज, यानी कि हमने बिल्कुल 146 डेज बिफोर लीगल ड्यू डेट डिस्काउंट कराया था। तो देयरफोर एन इज इक्वल टू 146 डेज, देयरफोर एन इज इक्वल टू 146 अपॉन 365। यस, रिमेंबर 73 से 2 टाइम और 73 से ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, किससे कैंसिल कर रहे हैं जरा ध्यान दे, 73 से 2 टाइम, 73 से 5 टाइम, तो ये 2 और नीचे 5, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 ईयर। यस, अब इसके बाद नाउ हमारे पास क्या गिवन है, फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू, और सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है बैंकर डिस्काउंट। तो हम क्या करें, नाउ BD इज इक्वल टू SD इनटू n इनटू r अपॉन 100, वैल्यू रिप्लेस करते हैं, बैंकर डिस्काउंट तो मालूम नहीं, सम ड्यू मालूम है 51,000, ये हमारे पास n मालूम है, हमारे पास 2 अपॉन 5 इनटू r मालूम है 5 और अपॉन में क्या 100। अब जरा देखें हमारे पास 5 टू 5 कैंसिल, 1 टू कैंसिल, 510 इनटू 22 करेंगे तो 1020, तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 1020। तो ये तो बैंकर डिस्काउंट है, लेकिन ये हमको चाहिए नहीं, बिना इसके आपका क्वेश्चन आगे जाएगा नहीं, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा बिनो। अब जरा ध्यान देना, हमने एक और टर्म आपको बताया, बैंकर गेन इज इक्वल टू क्या था, बीडी माइनस टीडी। अब एक काम करते हैं, टीडी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो बीजी प्लस टीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बैंकर डिस्काउंट। तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट के लिए इक्वेशन डेवलप किया हमने, टीडी प्लस बीजी, लेकिन आपको मालूम है बीजी का मतलब भी क्या है, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू थ्रो डिस्काउंट प्लस टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। हमने क्या यूज किया, सिंस बीजी इज इक्वल टू टीडी into n into r upon 100। अब जरा इसे देखें, तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो रिप्लेस करता हूं मैं, तो बैंकर डिस्काउंट मुझे मालूम था 1020, td हमको नहीं मालूम एज इट इज चल रहा है, नेक्स्ट td एज इट इज, n मालूम था 2 upon 5, r मालूम था 5 और अपॉन में क्या 100, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 100 कितने टाइम कैंसिल, 59। तो इसका मतलब 1020 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस टीडी अपॉन 50। अब अगर आप 50 को क्रॉस कर देंगे तो 1020 इज इक्वल टू 50 इंटू ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 50, तो 50 प्लस 1 51, तो 1020 is equal to 51 into 2 discount upon 50। तो obviously मुझे 2 discount मिल जाएगा cross multiplication से, तो 2 discount 1020 into 50 upon 51। अब 51 से 20 time cancel हो जाएगा और 20 को 50 से multiply करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 2 discount is equal to 1000 और ये rupees में हमने लिख दिया, तो क्या आ गया हमारे पास रुपीज 1000। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट। तो ये तो हो गया एक हमारे पास क्या, ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट मिल गया मेरे पास, अब क्या रह गया बैंकर्स गेन। नाउ बैंकर गेन इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, तो देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू 1020 माइनस 1000, तो देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू रुपीज
20, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमने जो लिया 30, तो क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिमिटेड टाइप ऑफ सम हम पहले से भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर्टेन सम ड्यू 3 मंथ्स हेंस इज 21 अपॉन 20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। अब जरा ध्यान दो, जो अमाउंट ऑफ बिल है वो प्रेजेंट वर्थ यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स का कितना है, 21 अपॉन 20। बिल्कुल सेम ऐसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 20 बुक्स और 21 बुक्स का प्राइस का, बिल्कुल वहां पर अलग अलग दिया था, यहाँ रेशियो के टर्म में वही वैल्यू दी है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंपॉर्टेंट, गिवन n इक्वल टू 3 मंथ्स यानी 3 अपॉन 10 इयर्स, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इयर्स। लेट प्रेजेंट वर्थ is equal to rupees x, so therefore sum due is equal to 21 upon 20 of present worth is equal to 21 upon 20 into x, therefore sum due is equal to rupees 21x upon 20। now अब आप सबको मालूम है कि true discount is equal to, मैं लिख सकता हूं SD minus present worth। आपको मालूम है क्या, अगर आप इसको present worth को इधर लेते हैं तो SD क्या हो जाएगा, present worth plus true discount। तो इसलिए हमने इसको यूज किया क्या, TD यानी true discount is equal to SD minus present worth। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, SD is equal to present worth plus true discount। तो इसको थोड़ा सा rearrange करके लिखा है। अब नेक्स्ट, therefore true discount is equal to 21x upon 20 minus x। अब अगर आप तुम ये माइनस कर देते हैं तो 21x minus 20x upon 20, तो इसका मतलब true discount is equal to क्या रह जाएगा, 1 ऊपर, तो rupees x upon 20। तो ये तो हमको मिला। now let required interest rate is equal to r percent per annum, we know। अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, TD is equal to present worth into n into r और upon 100। तो TD की जगह तो क्या रिप्लेस हो गया, x upon 20, present worth की जगह क्या आ गया x, n की जगह क्या आ रहा है 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन 4 लिखा था हमने, यस 1 अपॉन 4, r क्या है अननोन और अपॉन में 100। तो सिंपल अपोजिट कैंसिलेशन, x x कैंसिल, 1 अपॉन 20 इधर आ गया, r अपॉन 4 इनटू 100 क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 इनटू 100 कितना 400, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 400 अपॉन 20 इज इक्वल टू r, देयरफॉर r इज इक्वल टू 20। तो r इज इक्वल टू 20, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 20% पर एनम। तो ये इस आएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरह अपने आप कंप्लीट करेंगे। तो जो ये एक्सरसाइज है हमारे पास डिस्काउंटिंग, जो कि आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सम थोड़े से मुश्किल है, वहाँ की तरह इजियर नहीं। तो आपने पहला बेसिक फॉर्मूला ठीक से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दें तो आपके लिए ईजी होगा। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ एक्सरसाइज ये जब एग्जाम में आएगा तो इस एक्सरसाइज से मोस्ट प्रोबेबली 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट।